दोस्तों वेलकम टू कलर्स ऑफ लाइफ, मैं हूं जोगल राजा। हमारे इस लव और रिलेशनशिप के चैनल में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों हमारे समाज में सारी चीज़ों को संभालने का मोस्ट ऑफ जिम्मा होता है वो औरतों के ऊपर होती है। औरतें अपने पतियों को संभालती है, अपना घर संभालती है और अपने रिलेशन को मोस्ट ऑफ औरतें ही संभालती है। तो इस वीडियो में मैं लड़कियों के लिए 3 टिप्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट 3 टिप्स बताने वाला हूँ, जो क्योंकि बहुत सारी लड़कियों को अपने रिलेशन में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। बहुत सारी लड़कियाँ आजकल इस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करती है कि रिलेशनशिप में ये चीज़ें होती है, अपने बॉयफ्रेंड के साथ वो ये नहीं होता, वो नहीं होता, ये प्रॉब्लम हो जाती है, इसको देखते तो वो होती है। तो मोस्ट ऑफ आपको इन सारी चीज़ों को ठीक करने के पीछे भागना नहीं है, लेकिन बेसिकली आपको अपने इन सारी चीज़ों को पहले से ही ठीक रखना है ताकि प्रॉब्लम्स खड़े ही ना हो। जो ये 3 टिप्स है हर लड़की को पता ही होना चाहिए अपने अच्छे रिलेशन को बनाने के। तो मैं सबसे पहली चीज़ के बारे में बात करती कि आपके बॉयफ्रेंड की सारी बातों को ध्यान से सुनो और उनकी भावनाओं को समझने की कोशिश करें। मोस्ट ऑफ क्या होती है कि लड़की के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती है, आपके अंदर उसके लिए फरियाद होती है, प्यार होता है, बहुत कुछ होता है। तो आप क्या करते कि अपने बारे में सोचते हो कि मुझे ये लगता है, मुझे ये बताना चाहिए, मुझे ये करना चाहिए, मुझे गुस्सा करना चाहिए, रूठना चाहिए, प्यार दिखाना चाहिए। लेकिन जिस तरह के आपके अंदर ये सारा उबाड़ है ना, आपके बॉयफ्रेंड के अंदर, आपके पार्टनर के अंदर भी बहुत कुछ हो सकता है, कभी उनकी भी सुन लियो। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप अपनी मत देखो कभी उनकी बात, अगर वो आपको कुछ बता रहा है तो किसी बार भी आपको अपने बॉयफ्रेंड की बात को नज़रअंदाज नहीं करना है। क्योंकि जब कभी आप अपने पार्टनर की बातों को या उसको नज़रअंदाज करते हो तो इसका मतलब ये है कि आप उनको इग्नोर कर रहे हो, आप उसको इम्पोर्टेंट नहीं दे रहे हो। यहाँ पर उनको ये बातें सारी समझ में नहीं आ रही कि आप ऐसा क्यों कर रहे होते। आप उनके सबसे क्लोज होकर उनको इतना ज़्यादा हर्ट करते। लोगों को बहुत ज़्यादा हर्ट तभी होता है जब अपना पार्टनर उसको इग्नोर करता है। तो एक बहुत ही बुरी चीज़ है, आपको उनकी बातों को बिना रीज़न के कभी इग्नोर नहीं करनी है। सेम है आपको बताओगे कि आप जब अपनी फीलिंग्स अपने पार्टनर को बता रहे होते और आपका पार्टनर उसको ध्यान से ना सुने या उसको महत्व ना दे तो कितना बुरा लगता है। अगर कोई इंसान आपके फीलिंग्स को महत्व देता है तो आपको बहुत ही अच्छा फील होगा। उसी तरह से आपका पार्टनर कभी भी आपके सामने अपने फीलिंग एक्सप्लेन कर रहा है, उसको आपको इम्पोर्टेंस देना चाहिए, महत्व देना चाहिए, ताकि आपका पार्टनर अच्छा फील करेगा। अगर आपने ये 2 चीज़ें कर दी ना तो आपके रिलेशन में आपने मान लो बहुत कुछ कर दिया। ये इतना इफेक्टिव बात है जो मोस्ट ऑफ लड़कियों को इन चीज़ के बारे में नहीं पता होता। अब दूसरी चीज़ के बारे में बात करते हैं कि बहुत सारी लड़कियों के प्रॉब्लम होता है कि यार मेरा बॉयफ्रेंड इस टाइप का है। लड़की चाहती है कि मेरा बॉयफ्रेंड ऐसा होना चाहिए। हर किसी का अलग अलग बीबा होता है, बीबा जिसमें मूर्ति बनती है कि हमें ऐसी मूर्ति चाहिए तो उस बीबे में सारा मटेरियल डाल दो, ऐसी मूर्ति बाहर बन के आएगी। लेकिन इंसान इंसान है, वो कोई मूर्ति नहीं है जिसको आप बीबे में फिट कर दो। और भगवान ने यार कमाल किया है कि हर इंसान को अलग अलग बनाया। तो जो आपके माइंड में तस्वीर है, आपको जैसा बॉयफ्रेंड चाहिए, शायद आपका बॉयफ्रेंड वो ऐसा नहीं है, क्योंकि वो किसी मटेरियल से बना हुआ नहीं है, कुछ भगवान ने बनाया है। तो आप किसी को बदल नहीं सकते, उसकी क्या आदतें हैं, वो अच्छी चीज़ें करता है, बुरी चीज़ें करता है, आपको कभी भी ऐसी चीज़ें नहीं करना। क्योंकि जब कभी भी आप उस पर दबाव डालोगे, फोर्स करोगे उन चीज़ों के लिए, आपको उनको ये बताना है कि क्या चीज़ें गलत है, क्या चीज़ें गलत नहीं है। आपको उनको बता देना चाहिए कि तुम्हारी ये हरकतें मुझे पसंद नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लगता। लेकिन कभी आपको उनको ये नहीं बताना चाहिए कि तुम्हें बदल जाना चाहिए, नहीं तो हमारा रिलेशन ब्रेक हो जाएगा, वगैरह वगैरह। लेकिन आपको उनको ये वार्निंग दे सकते हो, अवेयर कर सकते हो कि मुझे ये सारी बातें पसंद नहीं है। तो आपको वहाँ से चिंतित नहीं होना, उस चीज़ के लिए परेशान नहीं होना कि तुम्हें मुझे कॉल करना ही होगा, ये सारी चीज़ें करनी होगी। क्योंकि आप उनको इस तरह से विरोध नहीं करके आराम से इसको प्यार से बात करने की अगर ट्राई करते हो तो मोस्ट ऑफ टाइम ये ज़्यादा इफेक्टिव होता है कि आप प्यार से किसी मुद्दे को उठाते हो और शांति से उसका विरोध करते हो, ना कि हंगामा करते हो, ब्रेकअप करते हो, लड़ाई झगड़ा, इससे सोल्यूशन नहीं मिलेगा। तीसरी और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हर रिलेशन में दोनों को ही समझनी चाहिए कि यहाँ पे आप एक टीम वर्क हो, दोनों पार्टनर हो, आप दोनों की एक टीम है और आप दोनों को अब दूसरे एक दूसरे के बारे में सोच कर आगे चलना होगा। अगर आप चाहते हो कि आपका रिलेशन अच्छा चले, कभी कोई प्रॉब्लम्स ना हो, आपका प्यार दोनों में बना ही रहे, तो इन चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि आप अकेले रिलेशन में नहीं हो, बिल्कुल एक टीम होती है, टीम में प्लानिंग होता है, एक दूसरे का साथ देना चाहिए, सहकार देना चाहिए। कभी उनके बारे में भी पूछना चाहिए कि मेरी किसी बात से तुम्हें बुरा लगता है कि नहीं। हम सिर्फ ये सोचते हैं कि यार तू ये नहीं करता, तू ये नहीं करता, वगैरह वगैरह, सिर्फ हम अपने बारे में सोचते। कभी उनकी जगह पे रह के सोचिए कि यार मैं अगर एक लड़का हूँ तो मुझे कभी सोचना चाहिए कि मैं अगर गर्लफ्रेंड होती तो मैं अपने बॉयफ्रेंड से क्या एक्सपेक्ट करता। सोचना ही जाएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि यार मैं तो ऐसा बॉयफ्रेंड चाहता हूँ जो मेरी केयर करे, वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ों के बारे में आपको पता चलेगा। तो ये टीम वर्क है, सिर्फ आपको अपना ख्याल नहीं रखना, अपने पार्टनर के बारे में भी सोचना है कि वो क्या चाहती है मुझसे। इसके साथ साथ लड़कियों को चीज करनी होगी कि हमेशा आपको खुश रहना होगा। अगर आप ऐसे ही कोई इंसान है कि जो अपनी लाइफ में विदाउट रीजन के खुश रह सकते हो तो आपके रिलेशन में प्रॉब्लम बहुत ही कम आएगी। लेकिन जो इंसान दुखी रहता है उसके रिलेशन में प्रॉब्लम आने की शक्यता बहुत ज़्यादा होती है। ये इसलिए होती है कि दोस्तों अगर आप खुश है तो आपका पार्टनर आपको देख के उत्साहित हो जाएगा, वो आपके साथ झगड़ा करना ये सारी बातों से दूर रहेगा,